आप सभी दर्शकों का सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है और नोटिफिकेशन ऑन कर लें घंटी दबा करके, जब भी नया वीडियो डाला जाएगा आपको तुरंत मिलेगा और देख सकेंगे। हम अपने चैनल में वीडियो इसलिए नहीं बनाते कि देखिए, सबको अपना चैनल अच्छा लगता है। कोई किताब लिखता है तो उसको लगता है कि वह किताब ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। चैनल में भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियोज़ को देखें, परंतु हम कोई इस प्रकार की बातों का सहारा नहीं लेते चैनल के ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए। इसलिए नहीं लेते कि वो क्षणिक आनंद हो सकता है, क्षणिक सफलता हो सकती है। सफलता परमपिता परमात्मा देता है, सफलता और कोई नहीं देता। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में परमात्मा को विशिष्ट स्थान दें। अगर आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं तो आपको गहरी आत्मीयता का अनुभव होगा। जब आप परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं तो हर बात पर सच्चाई आपके होगी। परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं कभी आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं तो कभी भी आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब परमपिता परमात्मा से जुड़ने की टेक्निक क्या है, परमपिता परमात्मा से जुड़ने की विधि क्या है, वो हम चैनल पर नहीं बता सकते। अब इसमें भी अब अगर आपको लगे कि ये हमारी मार्केटिंग नीति है तो आप समझते रहें, कुछ बातें गोपनीय होती हैं, छिपाई जाती हैं जन साधारण के लिए। देखिए, जो पहली बात, जो हमारे चैनल के सदस्य बनेंगे वो साधारण व्यक्ति नहीं होंगे, वो विशिष्ट व्यक्तित्व होंगे। और जो लोग चैनल को देख रहे हैं वो भी मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी में, कि वो साधारण व्यक्ति नहीं हैं। उनके अंदर असाधारण प्रतिभा छिपी हुई है, उसको उभारने भर की जरूरत है बस। जैसे बजरंगबली जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, श्रापवश उनको वो सब भूल जाते हैं। एक ऋषि ने उनको श्राप दिया था, बचपन में उत्पाती थे, उस ऋषि का सामान इधर फेंक देते थे, तो उन्होंने कहा था कि जाओ, आज से तुम्हें अपने बल का, अपनी शक्तियों का ध्यान ही नहीं रहेगा। तो जब ध्यान ही नहीं रहेगा तो आप सीधे सरल रहेंगे, और जब तुमको कोई याद दिलाएगा कि तुम्हारी शक्तियां क्या हैं, तब तुम उन शक्तियों का प्रयोग कर सकोगे। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों में भी वही सारी शक्तियां विद्यमान हैं, लेकिन आप उनका उपयोग नहीं कर पा रहे, उनका प्रयोग नहीं कर पा रहे। अब शक्ति तो एक ही होती है, पर शक्तियों के प्रकार अलग अलग होते हैं। कोई तामसिक शक्ति को जगा लेता है तो कोई सात्विक शक्ति को जगाता है,
कोई राजसिक शक्ति को जगाता है। जैसी शक्ति का विकास आप करेंगे, उसी शक्ति का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। शक्तियां कभी अव्यर्थ नहीं होती। गलत बोल गया, शक्तियां कभी व्यर्थ नहीं होती, ये अव्यर्थ होती हैं, अर्थात ये हमेशा कार्य करती हैं, भले ही आपको उनका ज्ञान हो या ना हो। जब प्रभु के निकट जाएंगे तो आप सात्विक बनेंगे, और सात्विकता की सीढ़ी के बाद में एक और अवस्था आती है, वो होती है त्रिगुणातीत की। ना तो फिर तामसिक रहेंगे, ना राजसिक रहेंगे, ना सात्विक रहेंगे, इन तीनों गुणों से परे हो जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन तीनों परिस्थितियों में से जो निकल करके त्रिगुणातीत अवस्था में विचरण करता है, वो मुझे प्रिय है, वो मेरे पास ही होता है। इसका भावार्थ ये है कि जब हम त्रिगुणातीत अवस्था में जाते हैं तो हमारे जो मन के विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जब मन के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, अर्थात जिस समय एकाग्रता मिल जाएगी, एकात्मता हो जाएगी, यानी कि जैसे एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उसमें अगर 10 छेद हैं तो जो पानी निकलेगा उसकी धार तेज नहीं होगी, और जो अगर उस बाल्टी में एक ही छेद हो तो वो एक धार कितनी दूर जाएगी। बस ऐसे ही मान लीजिए, तरह तरह के विचार जो हमारे मन में आते रहते हैं, उनके द्वारा हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ता है, सकारात्मक कम, क्योंकि समष्टि में अंधकार ही व्याप्त है। ये तो प्रकाश है जो कुछ जगह को आलोकित कर देता है। अगर सूर्य नहीं होता तो सारी दुनिया को प्रकाश कहाँ से मिलता? तो जो मन के अंधेरे में जो प्रकाश की लौ जलाता है, उसी को तो प्रभु से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। अगर दिन रात आप अपनी परेशानियों में डूबे रहेंगे, आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे, आपकी सारी जिंदगी ऐसी ही गुजर जाएगी, और आप ये सोचेंगे अंत में कि मैंने जीवन का कहीं आनंद उठाया ही नहीं। जीवन का आनंद उठाना आपका अधिकार है, आपका हक है, और ये अधिकार आपको कौन देगा? ये अधिकार आपको परमपिता परमात्मा ही देंगे। और परमपिता परमात्मा से मिलने की गोपनीय विधियां हैं, उनको अनुभव करने की जरूरत है। हमारे पास आने वाले साधकों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमको आप मंत्र साधना मत दीजिए, हम कोई टोटका टोना प्रयोग नहीं करना चाहते। उनको मैं रेफर करता हूँ इस ज्ञान के लिए, जहाँ कोई मंत्र नहीं है, जहाँ कोई श्लोक नहीं है, जहाँ कोई स्तोत्र नहीं है, भारी भरकम, जहाँ पर कोई याद रखने वाली और भूल जाने वाली विधियाँ नहीं है, वहाँ पर ये विद्या काम आती है। और प्रभाव कितना? प्रभाव उतना ही जितना कि उन विधियों से मिलता है, और प्रभाव ये होता है चिरस्थाई।
पूरे जीवन को आलोकित करने के पश्चात जब इस देह का त्याग मनुष्य करेगा तो यही ज्ञान यही शक्ति उसको परमात्मा से मिलाएगी। आमतौर पर जब कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो लोग कह देते हैं वो स्वर्गवासी हो गए, वो गोलोकवासी हो गए, वो साकेतवासी हो गए, या वो भगवान के घर गए। लेकिन आप भी जानते हैं कि सभी भगवान के घर नहीं जाते हैं। भगवान के घर जाने के अधिकारी होते हैं वही जाते हैं, और वैसे तो पूरी दुनिया ही भगवान का घर है, हम लोग तो किराएदार हैं। इस विधि से तो हम हमेशा ही भगवान के अधीन हैं, उनके घर में हैं। परंतु ये तुम्हारी दुख, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी बेबसी या तुम्हारी अहंकार, तुम्हारा तुम्हारी नीचता, तुम्हारी अकर्मण्यता, तुम्हारा घिनौनापन, तुम्हारे पाप, ये प्रभु से अलग करते हैं। प्रभु तो प्रेम में है, जो उसको प्यार करता है प्रभु उसको अंगीकार करते हैं। अगर सारे इन उपद्रवों को, इन सारे पापों को, सारी इन न्यूनताओं को आप त्यागने को तैयार हैं, प्रभु तो आपके लिए अपनी बाहें फैलाए हुए खड़े हुए हैं। सच्चे हृदय से पुकारेंगे, प्रभु को हर बात सुनाई देती है। भले ही आप मुंह से न कहें, हृदय से कहें, वो भी उनको सुनने में आता है, वो भी सुन लेते हैं। तो जरूरी है ये कि आप प्रभु की कृपा के पात्र बनने का प्रयास करें। अक्सर लोग क्या होता है, वही वीडियो देखते हैं, वही किताब पढ़ते हैं, वही चीज सोचना चाहते हैं कि मुझे इससे क्या लाभ होगा, धन का लाभ होगा या अमुक लाभ होगा। पर ये बताइए, क्या आनंद लाभ होना, वो भी बिना किसी सहारे के? अभी तक जितने भी सुख सुख होता है वो सहारा चाहता है। जैसे वाहन का सुख है, जैसे आपको खाने पीने का सुख है, पहनने ओढ़ने का सुख है, ऐसे ये सुख आता है किसी न किसी कारण से, सुख आता है किसी न किसी साधन से। लेकिन आनंद, आनंद यह किसी कारण से नहीं आता, यह हृदय में उत्पन्न होता है और हृदय को ही आलोकित करता है, और आनंद हेतु बन जाता है सर्व सुख साधनों को समेटने का। बहुत गहरी बात है ये, सारे सुखों को समेटने का मूल मंत्र है आपका आनंद। जैसे किसी से आपने कोई काम लेना है, अगर आप उससे, एक ये बिजनेस का टिप्स भी है लेकिन आध्यात्मिक बता रहा हूँ, कारण कि अगर किसी व्यक्ति से आप मुस्कुरा करके, हंस करके, प्रसन्न चित्त होकर के बात करते हैं, वो व्यक्ति आपकी बात को सुनता है, आपके चेहरे की प्रसन्नता उसको प्रसन्न करती है, आप अच्छी आनंददायक किरणें छोड़ते हैं, ऊर्जा छोड़ते हैं, और वो ऊर्जा उसको एक्सेप्ट करने में देर नहीं लगती। बहुधा 90% काम तो आपकी मुस्कुराहट से बन जाते हैं, और ये मुस्कुराहट बनावटी नहीं होनी चाहिए। मुस्कुराहट जो आनंद से, भीतर से प्राप्त हुई हो, वो मुस्कुराहट ही कार्य करती है। तो अगली बार किसी के पास जाएं तो प्रसन्न चित्त होकर के जाएं।
मत सोचे कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, प्रसन्नचित होकर के जाएं। वीडियो लंबी हो रही इसलिए यहीं पे विराम देता हूँ, आगे भी चर्चा करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय अध्यात्म विज्ञान, हर हर महादेव, जय श्री हरि।